सुनिएगा जरा मेरी बात को, इन पांच के अलावा कोई कारण नहीं है। कस्टमर आपसे माल क्यों नहीं लेता, उसकी जरूरत नहीं है, या उसको अभी नहीं चाहिए, जल्दी नहीं है उसको, या उसकी इच्छा ही नहीं है। अरे भाई अच्छा है आपका प्रोडक्ट लेकिन मेरा मन नहीं है, खरीदने का इच्छा नहीं है, मेरी जरूरत है लेकिन इच्छा नहीं है, और या फिर उसको आप पे विश्वास नहीं है, अरे ये लगता चोर आदमी है, अरे लगता है बढ़िया आदमी नहीं है, ना उसके पास पैसा नहीं है। मेरी बात समझिए, जो पहली चार है ना आपकी, ये जरूरत, जल्दी, इच्छा, विश्वास, ये आपके कन्विक्शन और नॉलेज से ठीक हो जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में आपका फेथ है ना, आपकी बातचीत में ना, आप फोन पे भी बात करेंगे मुस्कुरा के, सामने वाले को मुस्कुराहट दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी बिना आवाज के। कन्विक्शन जिसके पास होता है ना, वो उसकी ना सारी बॉडी लैंग्वेज की एनर्जी ट्रांसफर होने लग जाती है, तो सामने वाले को अपने आप जरूरत, जल्दी, इच्छा, विश्वास अपने आप आ जाएगा। अब उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा ढूंढ के लेके आएगा, अगर पहली चार चीजें आ गई, पैसा वो अपने आप अरेंज करेगा, उसके पास ना होने के बावजूद भी अरेंज करेगा, वो कर्जा लेके आएगा, किसी से मांग के लाएगा, फ्रेंड फैमिली फूल्स किसी से बात करेगा, पैसा वो अरेंज कर लेगा। लेकिन आपको जब आपके पास होगा नॉलेज और कन्विक्शन, ये दो चीजें होंगी जो कृष्ण ने कही है, मैंने नहीं कही है, अज्ञ च श्रद्धानाश्च, अगर ज्ञान नहीं है और श्रद्धा नहीं है ऐसा आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता, संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे सेल्समैन का विनाश पक्का है, विनाश पक्का है। तो पांच बातें मैंने बताई, इन जिसमें से जो पहली चार हैं ये आपके कन्विक्शन और नॉलेज से अपने आप ठीक हो जाएंगी, पैसा वो अपने आप ले आएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आफ्टर यू लिसन टू माय वीडियो, सुनिए जरा, आफ्टर यू लिसन टू माय वीडियो ट्राई टू इंप्लीमेंट वन पॉइंट विद इन वन आवर, इसको रूल बना लीजिए। मेरा वीडियो देख के टाइम मत केवल खराब करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। कैसे होगा, आफ्टर लिसनिंग टू माय वीडियो, मेरा वीडियो सुनते ही एक घंटे में एक काम, वन मोर टाइम, कम ऑन, एक इंप्लीमेंटेशन चाहिए पहले एक घंटे के अंदर, बिकॉज लिसनिंग फॉलोड बाय डूइंग लीड्स टू मास्टरी। गोल्डन स्टेटमेंट दोबारा बोलता हूं, लिसनिंग फॉलोड बाय डूइंग लीड्स टू मास्टरी। आपका मन भटकेगा, कई बार भटकेगा, कृष्ण क्या कहते हैं, स शांति मा अपनोति न काम कामी। असली शांति उसको मिलती है जिसको कामना आती है, मन भटकता है, वो फेथ नहीं बिल्ड कर पाता, उसका मन फिर से भटक जाता है, वो इधर उधर जाता है, वो फोकस नहीं बिल्ड कर पाता, लेकिन स शांति मा अपनोति न काम कामी, शांति उसी को मिलेगी जिसको कामना आएगी, उसका मन भटकेगा लेकिन वो भटकने नहीं देगा, उसको कामना आएगी पर वो काम ही नहीं बनेगा। आपके पास फियर भी होंगे, डाउट भी होंगे, वरी भी होंगे, लेकिन आपको वो असर नहीं करेंगे जब आप ये फोकस बिल्ड कर लेंगे। इसीलिए ये नॉलेज बिल्ड करिए, नॉलेज इज द फाउंडेशन। वो क्या कहते हैं शास्त्रों में, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश मतलब अपने देश में आपके राजा की पूजा होती है, आपके राजा की पूजा हो सकता है कि दूसरे देशों में ना हो, हमारे देश के राजा की पूजा हो सकता है पाकिस्तान में ना हो, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा पूरी पृथ्वी पे होगी। ए बेयश घोषुक त्रिभुवना, ऐसे लोगों का यश तीनों लोकों में फैल जाता है। देखिए बात बड़ी सरल है, अगर लर्निंग नहीं करेगा आदमी और 20 साल का हुआ तो वो 80 साल के बूढ़े आदमी जैसा जिंदगी बताएगा, और अगर लर्निंग करता रहा ना तो 80 साल का बूढ़ा आदमी भी 20 साल के जवान जैसा, उसकी एनर्जी अपने आप बढ़ी रहेगी, 80 साल का बूढ़ा भी आपको हमेशा फ्रेश और रिफ्रेशिंग लगने लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये जो बटुए में पैसा डालते हो ना, बटुए में डालते हो पर्स, बटुए में, इस बटुए को बुद्धि में लगाओ, वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या, इस बटुए को बुद्धि में लगाओ, अगर बटुए को बुद्धि में लगाओगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बटुआ भी बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए बड़ी सिंपल बात है, इन्वेस्टमेंट इन योर नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इन योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश, बट इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल गिव यू हाईएस्ट गेन। इसी कारण से